तो ये एक अंदर की बात है, सीक्रेट बात है, बता रहा हूं आपको कि Realme 7 Pro की क्वालिटी आपको यहां पर बेटर मिलने वाली है। दोस्तों जब से मार्केट में लॉन्च हुए हैं Realme 7, Realme 7 Pro, Oppo F1 17 Pro, तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, सभी की वीडियोस मैंने बना रखी है, लेकिन अलग ही एक नया कंफ्यूजन आया मार्केट में Realme 7 Pro और Redmi Note 9 Pro Max को लेकर, क्योंकि इनकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग सेम आती है, क्योंकि जब अपर मॉडल और इसका स्टार्टिंग मॉडल दोनों का सेम आता है। और दोस्तों एक बात आपको फिर से बता दूं कि मैं अपने सेटअप पर नहीं हूं और आज रात भी हो चुकी है, तो ऐसे में मतलब आवाज के अंदर थोड़ा सा एको देखने को मिलेगा, लाइटनिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट मेरी तरफ से आज मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों सभी मोबाइल की मार्केट में जाने के बाद उनकी टेस्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बताता हूं, तो अगर आपको अनबायस्ड ट्रूली वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो Realme 7 Pro है, वहां आपको मिलती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहां पर रिफ्रेश रेट मिलती है आपको 60 हर्ज की। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi Note 9 Pro Max की, वहां को मिलती है 6.67 इंच की IPS की डिस्प्ले, यहां पर आपको AMOLED देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगी IPS की डिस्प्ले, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन और 60 हर्ज की रिफ्रेश रेट। तो यहां पर भैया बात सीधी सी है कि Realme 7 Pro की डिस्प्ले आपको बेटर क्वालिटी दे पाएगी, क्योंकि यहां पर फुल HD प्लस सुपर AMOLED देखने को आपको मिल रहा है। रैम और रोम आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना पसंद है। दोस्तों फिर से बताऊंगा कि रूम के अंदर हल्का सा एको आ रहा है अभी और मैं वीडियो नहीं बना पाया दिन में, क्योंकि जयपुर के अंदर बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई, तो अभी दोस्तों आपको मतलब क्वालिटी कंटेंट में दे रहा हूं, लेकिन हल्का सा कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा यहां पर हो पाएगा। दोस्तों दोनों ही फोन के अंदर अगर हम बात करें गेमिंग की, कि जो पबजी गेम था अगर वो होता तो किसमें चलता, अगर फौजी गेम आता है बहुत जल्दी तो वो किसमें अच्छा चलेगा, सीओडी वगैरह गेम्स किसमें अच्छे चलेंगे, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 720Z और दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर ही जब एक जैसा है तो परफॉर्मेंस भी आपको एक जैसे ही मिलेगी। बात करें यहां पर कैमरा क्वालिटीज की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर जो Realme है वहां को मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 के साथ में, बाकी जो सेंसर है मिलते हैं आपको 8+2+2 के, और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। जो अपना Redmi है वहां पर भी आपको सब कुछ सेम मिलता है, लेकिन जो बाकी के जो सेंसर्स है जैसे कि मैक्रो डेप्थ सेंसर वगैरह, ये आपको हल्के से स्लाइटली बेटर मिलते हैं, लेकिन हाँ फ्रंट कैमरा और जो रियर कैमरा है, जो प्राइमरी कैमरा है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। वैसे अगर मैं आपको रियल बताऊं ना, जहां पर मैंने अभी शॉप पे देखा है, आज ही देखा है मैंने, Realme 7 Pro की क्वालिटी आपको Note 9 Pro Max से बेटर मिल रही है। तो ये एक अंदर की बात है, सीक्रेट बात है, बता रहा हूं आपको कि Realme 7 Pro की क्वालिटी आपको यहां पर बेटर मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहां पर बैटरीज की भी, दोनों फोन को जिंदा रखने के लिए हमें बैटरी कितनी मिलेगी, तो Realme 7 Pro है वहां पर आपको मिलती है 4500mAh की बैटरी, 65W का डार्ट चार्ज और 34 मिनट में 100% फोन चार्ज होने का क्लेम है कंपनी की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें Redmi Note 9 Pro Max की, तो यहां पर आपको मिलती है 5020mAh यानी 5020mAh की बैटरी, और यहां पर आपको 33W का फास्ट चार्जर, और कंपनी क्लेम करती है कि आधे घंटे में 50% ही बैटरी चार्ज हो पाएगी। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Realme 7 Pro की तरफ जाएं, हालांकि जो बैटरी है वो 500mAh कम है माना, लेकिन चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी है, 65W का डार्ट चार्ज आधे घंटे में 100% करके दे रही है, तो मेरी अकॉर्डिंगली Realme 7 Pro यहां पर एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात करते हैं यहां पर प्राइस रेंज की, तो चलो ठीक है भाई, हमें Realme 7 Pro लेने की सोच ली है, प्राइस रेंज क्या है, तो यहां पर जो Realme 7 Pro है वो शुरू हो रहा है ₹20,000 से, लेकिन जो Redmi का Note 9 Pro Max है, इतना बड़ा नाम है, ये जो फोन शुरू हो रहा है ना, ये लगभग हो जाता है 16,500 से 20,000 रुपए की रेंज तक। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि हाँ, अगर Realme 7 Pro हमें अच्छे फीचर्स दे रहा है तो उसकी प्राइस रेंज भी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग Redmi का लेते हैं ना, Redmi Note 9 Pro Max, वो ज्यादातर लोग इसका अपर मॉडल ही लेते हैं 20,000 रुपए का, तो आप थोड़ा सा बजट अपना बढ़ाइए और Realme 7 Pro की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, कैमरा क्वालिटी बेटर मिल रही है, और जो मतलब बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी काफी अच्छी मिल रही है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि अगर मुझे इन दोनों फोन में से कोई फोन लेना हो, याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई फोन लेना हो, तो मैं Realme 7 Pro की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यहां पर मुझे डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, कैमरा अच्छा मिल रहा है और बैटरी वगैरह
अच्छी मिल रही है। अगर मुझे कोई और फोन लेना होगा तो मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सभी की वीडियोस आपको मिल जाएगी, लिंक दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिलहाल दोस्तों में इतना ही, आपकी क्या राय है दोनों फोन के बारे में बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। और फिर से कहूंगा दोस्तों, ट्रूली अनबायस्ड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।